सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। यार ऐसे यारी रख, दुख में भागीदारी रख, चाहे लोग कहे कुछ भी, तू तो अपनी जिम्मेदारी रख। वक्त पड़े काम आने का, पहले अपनी बारी रख, मुसीबतें तो आएगी ही, पूरी सब तैयारी रख। कामयाबी मिले ना मिले, जंग हौसलों की जारी रख, बोझ लगेंगे सब हल्के, मन को मत भारी रख, मन जीता तो जग जीता, कायम अपनी खुददारी रख। तू गिर कर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, ठोकरे कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। आज का पंचांग 15 नवंबर 2022 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह 5:49 तक रहेगी 16 नवंबर तक। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र शाम 4:13 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:55 से 4:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:39 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। धनुराशि 15 नवंबर 2022 दिन मंगलवार, घर और रिश्ते से संबंधित चिंताओं की उदासी के कारण कुछ समय विचार करने के लिए निकालें। अपने विचारों और सपनों को शब्दों, तस्वीरों या गाने में व्यक्त करें। स्वस्थ होने के लिए समय निकालें ताकि आने वाले दिनों में आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहें। भाग्य और आकर्षण इस समय आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। सहयोग या संबंधों के क्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता है। दिशाओं को अपने अनुसार बदलने के लिए कठोर और सशक्त दृष्टिकोण के बजाय कुशलता का उपयोग करें। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है पर उससे भी जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। बाहरी गतिविधियों में आपका योगदान रहेगा। किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए लाभदायक साबित होगी। घर के रखरखाव संबंधित कार्यों में भी सुख समय व्यतीत होगा। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्न में सफलता मिलेगी। लोगों के लिए आपका विश्वास क्यों कम हो रहा है इस बात को जानने की कोशिश करें। परिवार में कोई युवा व्यक्ति आपकी निराशा दूर कर सकता है। महिला वर्ग को व्यापार से संबंधित अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पार्टनर के कारण अनेक तकलीफों का हल मिलेगा। सावधानियां, रुपए पैसे संबंधित कोई भी लेन देन करने के लिए समय पक्ष में नहीं है। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दे तथा अपने कार्य पर अधिक ध्यान दें। कभी कभी आप अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकते हैं। इसके लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लेना आपको फायदा देगा। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने लव लाइफ के बारे में कोई खास निर्णय लेंगे। प्रेमी युगलों के लिए आने वाले कुछ दिन मस्त जाएंगे। अपने शौकों को नजरअंदाज करें। आप खुश रहेंगे तभी अपनी साथी को भी खुश रख सकेंगे। आज भाग्य आपके पक्ष में है। आपकी इच्छा अपनी भावनाओं का बखूबी से इजहार करने और चीजों को खास बनाने की है। अपने साथी पर पूरा विश्वास करें क्योंकि विश्वास आप दोनों को हमेशा जोड़कर रखेगा। जीवन को रंगीन बनाने के लिए अपने जीवन साथी को समय समय पर यह भरोसा दिलाना ना भूलें कि आप उनसे प्यार करते हैं। बात करते हैं करियर की। व्यावसायिक परेशानी के कारण आज काम में कुछ अस्पष्टता हो सकती है। अपने चाहने वालों की सलाहों की सुनवाई करें और भावनाओं को भी व्यक्त करें। घरेलू काम जैसे टूटी हुई खिड़कियां या लीक नल को ठीक कराना भी आज आपकी प्राथमिकता है। एक विजेता की तरह सोचें, अपने कौशल को पॉलिश करें। आपकी किस्मत और आकर्षण आपकी संपत्ति है लेकिन दूसरों के सहयोग को नजरअंदाज ना करें। अब आपके प्यार और धन के मामले भी विकास करेंगे। सबसे नम्रता से बात करें
सोच समझकर काम करने से संभावित लाभ हो सकता है। जल्दबाजी ना करें और अपने कामों में होने वाले काम और नुकसान पर विचार करके ही आगे बढ़ें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रखें। यूरिन इन्फेक्शन की संभावना भी बन रही है। सेहत को नजरअंदाज ना करें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को गुड़ का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।